Subscribe to Narkasur in Goa and click on the bell icon to get all the latest updates about Ganesh Chaturthi. आज के वीडियो में हम आपको इको फ्रेंडली बड़े गणपति की मूर्ति बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए खेतों की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी को साफ करने के बाद 2 से 3 दिन के लिए पानी में भिगोकर रखते हैं। इस मिट्टी को 5 से 6 बार के लिए हाथों से और पैरों से गूंदा जाता है ताकि ये मिट्टी सॉफ्ट बन सके। ये सॉफ्ट मिट्टी गणेश जी की मूर्ति को स्मूथ बनाती है और उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। मिट्टी को गूंद गूंद के उसके रोल्स बनाए जाते हैं। मिट्टी के रोल्स को गणेश जी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और बाद में इन सभी पार्ट्स को जोड़कर गणेश जी की मूर्ति तैयार होती है। टाइटल आउट कर रखता है हेडिंग भी बोल देता है हां ये दो कर दो।
पूरी मूर्ति तैयार होने के बाद इसे सबसे पहले सफेद पेंट से रंगा जाता है। इसके बाद अलग अलग रंगों वाले स्प्रे पेंट से गणेश जी की मूर्ति को रंगा जाता है। आखिर में गणेश जी की आंखें, सिर पर टीका और बची हुई छोटी छोटी डिटेलिंग की जाती है। इसी तरह से पूरी गणेश जी की मूर्ति तैयार की जाती है। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस साल सिर्फ इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति ही घर पर लाएं और उसी की पूजा करें।